नवादा जिले के गोविंदपुर में बुधवार को आए ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बताते चले कि बुधवार के अपराह्न 3 बजे के बाद तेज हवा और बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लगी। लगभग 20 से 25 मिनट तक हुई इस ओलावृष्टि से खेत खलिहान सड़क गली में बर्फ की मोटी परत सी जम गई। बक्सौती और बनियाबीघा पंचायत में ज्यादा नुकसान होने की खबर है। सबसे ज्यादा सरकंडा में नुकसान होने की खबर आ रही है। वहां दलहन तेलहन और साग और सब्जी का 100% नुकसान होने की खबर आई है। गेहूं लगभग 30% नुकसान होने की खबर है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि इस ओलावृष्टि से तो नुकसान हुआ है और आंकड़ों का पता लगाया जा रहा है। इधर किसानों ने नुकसान की जांच कर भरपाई करने की मांग सरकार से की है। नवादा से कन्हई चौधरी की रिपोर्ट। पूरा खेत परित हो गया पानी से या पत्थर से? पत्थर से। पत्थर से क्या होगा, वो सब चुरा गया। सब चुरा गया, टोटल चुरा गया, एकदम पूरे बर्बाद। पूरे बर्बाद, आलू सरसों सब कहानी से। पत्थर बहुत भारी पत्थर पड़ा, आसमानी पत्थर पड़ा, सरपास तो हो गया। क्या क्या चीज नुकसान हुआ? सरसों है, गेहूं है, मछली है, बूट है, अलुआ है, प्याज है, सब खेत परित हो गया। सब खेत परित हो गया पूरा।